रोहन एक नैला नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। वे आए गए दिन उसे प्रपोज करता रहता था, किंतु वह उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन यूं होता है कि नैना भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और दोनों की शादी तय होने वाली होती है। रोहन को उसका प्यार मिलने वाला था और नैना को उसके सपनों का पति। किंतु यूं ऐसा हादसा हो जाता है कि रोहन अंधा हो जाता है और नैना के मन में उसके प्रति अभाव आ जाता है और वह उसके साथ धोखा करने के बारे में सोच लेती है। तो क्या नैना को अपनी गलती का एहसास होगा और रोहन को अपना सच्चा प्यार मिल पाएगा या फिर नहीं, आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी बुलंदशहर से शुरू होती है। बुलंदशहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते हैं, जिनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी चीज और सारी बातें एक दूसरे का शेयर किया करते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर अपनी खुशी बताता है कि मुझे मेरे सपनों की रानी मिल गई है, नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, आज तेरा भाई बहुत ज्यादा खुश है, आज तू जो मांगेगा वही मिलेगा तुझे, बता तुझे क्या चाहिए। तभी अमन कहता है, पक्का ना, मैं जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं कर देगा। रोहन कहता है, हाँ हाँ तू चिंता मत कर, आज तू जो बोलेगा तुझे वही मिलेगा, कल मैं नैना के घर जाकर शादी की बात भी करने वाला हूँ और फिर उसको अपने घर ले आऊंगा हमेशा के लिए। तभी अमन कहता है कि ठीक है चल फिर अपने अड्डे पर, तुझे तो पता ही है बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रोहन कहता है, हाँ ये बात तो तू सही कह रहा है, चल वहीं चलते हैं। रोहन और अमन एक बार फिर से क्लब में चले जाते हैं और वहां पर वे जी भरकर ड्रिंक करते हैं। इतनी ड्रिंक कर लेते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपने ड्रिंक को खत्म करने के लिए घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वे दोनों चलने के लिए उठते हैं तभी रोहन गिर जाता है और अमन उसे संभाल लेता है। अमन उसे कहता है कि भाई घर जाने में भी देरी हो गई है, आंटी ने घर पर घुसने भी नहीं देना है, मैं तुझे आज बता रहा हूँ। रोहन उससे कहता है कि चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ठीक है ना। अमन उसे कहता है, तू उसे ठीक से तो चला नहीं जा रहा, गाड़ी तू कहाँ से चला लेगा। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर इधर उधर घर पहुंचने की तैयारी में पड़ जाता है और वह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर पर कुछ समय बाद पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। जैसे ही सीढ़ियों से गिरता है अमन उसे पूछता है, तू ठीक तो है ना भाई, कहीं तुझे लगे तो नहीं। तभी रोहन की माँ लता वहां पर आ जाती है और कहती है, तू फिर यहाँ पर पीकर आ गया है, तुझे शर्म नहीं आती। रोहन उसे कहता, अरे माँ आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में यूं उड़ाया है लू 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 करके, वो हड़बड़ाने लगता है तो उसकी माँ सब समझ जाती है कि इसने जरूरत से ज्यादा पी रखी है। लता को गुस्सा आ जाता और उससे कहती है, आज तू फिर पीकर आ गया है, अरे नलायक जब संभला नहीं जाता तो इतना पीता ही क्यों है, तेरी जैसी हरकतें हैं तुझे तो कोई बेटी भी नहीं देगा। तभी रोहन खुशी से कहता है, अरे माँ समझ ले तेरे को तेरी बहू मिल गई है, आज हम दोनों ने पार्टी की है इसलिए मैंने ज्यादा पी ली है। तभी रोहन कहता है, अमन मेरी तो आंखें नहीं खुल रही हैं, मेरी बहुत ज्यादा हो गई है, मुझसे तो जुबान भी नहीं चलाई जा रही है, तू मुझे अंदर ले जा। लता उससे कहती है, अमन बेटा हाँ तू उसे अंदर ले जा और वहीं पर तुम भी सो जाना, इसके तो खुद की बात ही नहीं है, ये खुद नहीं चल सकता। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को जोर से आवाज मारती है जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। रोहन उसे कहता है, माँ अभी भी बहुत अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो फिर उठ जाऊंगा। लता उससे कहती है, नलायक तू अभी भी नशे में है, देख सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख कब होगी तेरी सुबह, एक आवाज में उठकर नीचे आ जा वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। लता ऐसे बार बार उस पर चिल्लाती रहती है। रोहन तभी अमन से कहता है, यार अमन तू कहाँ है, ये तो हमारे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, लाइट जला जरा। तभी अमन कहता, अरे पागल हो गया है क्या, इतनी रोशनी हो रही है तेरी आंखों में चुभ नहीं रही क्या, तुझे अंधेरा कहाँ से दिख रहा है। तभी रोहन कहता है, मजाक क्यों कर रहा है यार, सुबह सुबह इतना अंधेरा है, तू कहाँ है मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा इस अंधेरे में, लाइट जलाओ। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है और उसको तुरंत खिड़की के पास लेकर जाता है। अमन उससे कहता है, अब देख कितनी रोशनी है, और रोहन कहता है कि लाइट जला अभी कहाँ रोशनी है। यह देखकर अमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई हैं। तभी अमन उसे कहता है, भाई तू अंधा हो गया है, सुबह के 10 बज रहे हैं और आंखों में तेरी रोशनी नहीं जा रही है। तभी रोहन घबरा जाता और कहता है, यार ये क्या हो गया है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं सच में अंधा हो गया हूँ क्या, यहाँ पर सच में रोशनी और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो नैना के घर शादी की बात करने जाना था, अब क्या होगा, अगर उसे और उसके घर वालों को पता चला कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही रिश्ता टूट जाएगा,
और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उसे खोना भी नहीं चाहता। दोनों इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही थी, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभल कर नीचे ले जाता है। रोहन अपनी माँ को नैना के बारे में सच बता देता है। जब लता अपने बेटे के मुंह से उसी के प्यार के बारे में सोचती है तो खुशी से बौखला जाती है और कहती है, क्या सच में तुझे लड़की मिल गई है? शुक्र है भगवान का, किसी लड़की ने तो तुझे पसंद किया। तेरे लक्षण देखकर तो ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर पर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उसका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए कह देती है। ना दिखने कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर कमला हंसने लग जाती है और कहती है, बेटा वहाँ तो शादी के बाद ही बैठना, फिलहाल सोफे पर बैठ जाओ। रोहन माफी मांग लेता है और सोफे पर बैठ जाता है। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात कर रहे होते हैं। इस बीच नैना रोहन की ओर देख रही होती है और किंतु रोहन तो इधर उधर देख रहा होता है तो नैना उसे टोक कर कहती है, मैं तुम्हारी बगल में बैठी हूँ और तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? यह सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो देखूंगा ही क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, किंतु मिलने से पहले ही मुझे तुमने अंधा कर दिया है। तभी नैना उसे दोबारा हिलाते हुए कहती है, कुछ बोलोगे या फिर कुछ नहीं? तभी रोहन कहता है, बेबी पूरी जिंदगी तो तुम्हें ही देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद ही शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन की वजह से परेशान हो जाता है। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियां हर तरफ चलने लग जाती है, किंतु रोहन अपनी शादी की तैयारी में कोई मदद नहीं कर पाता है, बल्कि इधर उधर ही कहीं जाकर छिप जाया करता था। वो बार बार इधर उधर टकराकर गिर जाया करता था और अमन को उसके साथ ही रहकर उसे संभालना पड़ता था। यह देखकर लता अक्सर उससे कहती थी, ये क्या आंखें तुमने किराए पर दे दी हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ऐसा बोलते ही रोहन रोते हुए अपनी माँ को एक बार सच बता ही देता है। तभी लता घबरा जाती है और कहती है, नालायक तुझे कितनी बार कहा है इतने मत पिया कर, किंतु तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, तुझे तो पीना ही जरूरी लगता है, देख ले अब क्या हो गया है, पीने का नतीजा देख, जो जिस दिन तुझने पी थी उसी दिन से तू अंधा हो गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। रोहन तुरंत कहता है, माँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। तभी लता कहती है कि माफ कर दूं? अरे नलायक मेरे से तो झूठ बोल जाएगा चल जाएगा, किंतु जिसके साथ तूने सारी जिंदगी बितानी है उसके साथ धोखा करेगा, ये सब ठीक नहीं, ऐसे धोखे से रिश्ता नहीं निभाया जाता और ना ही जोड़ा जाता है। तभी अमन कहता है, हाँ आंटी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आज ही हम नैना के घर जाकर सब सच बता देंगे। रोहन भी हामी भर देता है। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन ही वो उसके घर पहुंच जाता है, जहां पर मेहंदी की तैयारियां चल रही होती हैं। दूल्हे को अचानक घर पर देखकर कमला और नैना घबरा जाती हैं और पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। तभी नैना भी वहीं पर आती है और रोहन से पूछती है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए, तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन उससे कहता है, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम बस उसी ओर आ जाओ, मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना घबराकर बोलती है, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो? अमन सबको सारा सच बता देता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, मैं तुम्हारे साथ झूठ के रिश्ते की बुनियाद नहीं रखना चाहता, मानता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें झूठ बोल दिया है, किंतु ये सोच कर कि मैं तुम्हें खो दूंगा तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए मेरी नजरें अब कभी नहीं आएंगी, इसलिए मैं तुम्हें शादी से पहले ही सच बोल देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं झूठ के रिश्ते से इस बुनियाद को रखूंगा तो हमारा रिश्ता नहीं निभ पाएगा। अमन भी रोहन का साथ देते हुए कहता है कि सही बोल रहे हो, आज इसने सच बता दिया है और नैना हम उम्मीद करती हैं तू भी इस बात को संभाल लेगी और अपने पति को अपना लेगी। तभी रोहन कहता है, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। रोहन के इतना बोलने पर ही अमन और लता वापस घर की ओर मुड़ आते हैं, किंतु रोहन वहां पर खड़ा अमन से हाथ भी ला रहा होता है और अमन को अपने पास खड़े होने को कहता है, किंतु तब तक लता आगे निकल जाती है और घर की ओर चली जाती है। इधर अमन और रोहन धीरे धीरे चल रहे होते हैं। रोहन अमन से कहता है कि यार तुमने जो भी कहा था मैंने वैसा ही किया है, अब देखो नैना मेरे साथ क्या करती है। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है, तभी किसी चीज से टकराकर गिर जाता है। जैसे ही वह टकराकर गिरता है
उसे चोट लग जाती है। उस वक्त नैना ये सब देख रही होती है। वह एक पल के लिए तो सोचती है कि वो इसकी शादी नहीं करेगी। इस तरह से कुछ समय बीत जाता है और रोहन और नैना के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है। नैना अपने घर की ओर उदासी बैठी रहती है, किंतु वह उसे प्यार करती है, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इस बीच उसने एक बार तो दूसरे लड़के के साथ रिश्ता भी जोड़ा था, किंतु जैसे उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वह रोहन के बिना नहीं रह सकती, वह रोहन से माफी मांगने के बारे में सोच लेती है। ऐसे ही जब वह उसके घर की ओर जा रही होती है तो वह देखती है कि रोहन जमीन पर गिरा पड़ा है। तभी रोहन खुद को संभालने के लिए खड़े उठने की कोशिश करता है और तभी नैना उसे संभाल कर हाथ देती है। रोहन को उस वक्त लगता तो है कि शायद ये किसी लड़की का हाथ है, किंतु उसे लगता है कि नैना तो यहाँ नहीं आ सकती, इसलिए वो कहता है कि अमन तुम कहाँ चले गए थे, तुझे पता है ना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, फिर तू मुझे छोड़कर क्यों चला जाता है, अब तो नैना भी मेरे साथ नहीं है। तभी नैना उसे कहती है, मैं हूँ ना, तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिर सकते, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन अपने मन में कहता है कि मैं तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करती है, शायद इसलिए मेरा प्यार आज लौट आया है। रोहन की जिंदगी में एक बार सच में बहार आ गई थी। रोहन ने नैना से कह दिया, क्या तुम सच में कह रही हो, क्या तुम इस अंधे पति को जिंदगी भर स्वीकार कर पाओगी। नैना उससे कहती है, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं ही तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है, वह गिरता पड़ता कमरे में आ ही जाता है। रोहन उसे कहता है, काश आज अमन होता, लेकिन आज तो मेरी सुहागरात है, इसलिए मुझे तो अकेले ही आना पड़ा। नैना कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें संभाल कर बैठ के पास ले आती हूँ। दोनों में प्यार भरी बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे का समय बिताते हैं। नैना को इस पल का लंबे समय से इंतजार था और रोहन भी कम नहीं था, उसने भी अपने प्यार का इजहार किया और दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। इस तरह से दोनों की नई जिंदगी शुरू हो जाती है और दोनों अपनी जिंदगी की पहली रात को एंजॉय करती हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बावजूद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर जिंदगी भर उसकी खुशियां उसको लौटा देती है। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नई कहानी के साथ।